कपिल देव ने की भविष्यवाणी। टीम इंडिया के लिए बोली ये बात, भारत नहीं खेलेगा विश्व कप सेमीफाइनल। T20 विश्व कप का आगाज हो गया है, जिसमें टीम इंडिया ने शानदार शुरुआत की है। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया को रोमांचक मुकाबले में मात देते हुए एक अच्छी खासी जीत हासिल कर ली है। जी हां, भारत ने वार्म अप गेम में ऑस्ट्रेलिया को आखिरी के ओवर में हराया, जिसमें मोहम्मद शमी ने लगातार 4 विकेट लेकर टीम को विजयी बना दिया। भारत की इस जीत के बाद अब उम्मीदें बढ़ गई हैं कि टीम इंडिया 2021 वर्ल्ड कप की हार का बदला आसानी से ले सकती है। टीम इंडिया 2021 के वर्ल्ड कप में जल्दी बाहर हो गई थी, जिसकी वजह से अब ये माना जा रहा है कि भारतीय टीम इस साल कम से कम सेमीफाइनल तक तो अपनी राह आसानी से बना सकती है। लेकिन अब शायद यहाँ पर भारत के दिग्गज कप्तान और टीम इंडिया को 1983 का विश्व कप दिलाने वाले कप्तान कपिल देव को ऐसा नहीं लगता है। जी हाँ, कपिल देव की माने तो टीम इंडिया के T20 विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंचने के 30% ही चांस हैं। जी हाँ, 30% चांस बताते हुए कपिल देव ने अपनी राय भी दी है कि ऐसा क्यों और कैसे। आपको बता दें कि टीम इंडिया की टीम में इस वक्त ऑलराउंडरों की कमी है। कपिल देव का मानना ये है कि ऑलराउंडर हमें ना केवल मैच जिताते हैं, बल्कि पूरी प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करके भी दिखाते हैं। लेकिन टीम इंडिया की वर्तमान टीम में कम ऑलराउंडर होने की वजह से टीम को इसका आगे नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस बारे में चर्चा करते हुए कपिल देव ने अपने बयान में कहा कि आप अपनी टीम में ऑलराउंडर्स के अलावा और क्या चाहते हैं, जो आपको ना सिर्फ वर्ल्ड कप में बल्कि दूसरे टूर्नामेंट या सीरीज में भी जिताकर दे देते हैं। हार्दिक पांड्या जैसा क्रिकेटर भारत के लिए काफी उपयोगी होगा। इसके अलावा कपिल देव ने आगे चर्चा करते हुए कहा कि ऑलराउंडर्स किसी भी टीम के लिए की प्लेयर्स होते हैं, वो टीम की ताकत होते हैं। हार्दिक जैसे ऑलराउंडर रोहित शर्मा को छठे गेंदबाज के तौर पर इस्तेमाल करने की आज़ादी देता है। वो अच्छा बल्लेबाज, गेंदबाज और फील्डर भी है। रविंद्र जडेजा भी टीम इंडिया का एक परफेक्ट ऑलराउंडर है। हालांकि रविंद्र जडेजा T20 विश्व कप का हिस्सा नहीं है, ऐसे में टीम इंडिया के लिए वो छठा ऑलराउंडर कौन हो सकता है जो भारत के लिए छठे नंबर पर बल्लेबाजी, छठे नंबर पर गेंदबाजी करके दे सकता है। हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के लिए एक परफेक्ट ऑलराउंडर हैं, लेकिन अब यहाँ पर बात यह आ जाती है कि हार्दिक पांड्या के अलावा वो कौन सा भारत के पास ऑलराउंडर है जो परफेक्ट ऑलराउंडर कहलाता है। देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन कपिल देव की ये भविष्यवाणी टीम इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकती है, क्योंकि कपिल देव ने यहाँ टीम इंडिया को ये चेतावनी दी है कि आप पहले वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंचने का लक्ष्य बनाइए, विश्व कप जीतना तो भूल जाइए। आप अगर टॉप 4 तक पहुंच जाते हैं तो फिर आप तभी टीम के लिए विश्व कप उठाने का सोचिए। देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कपिल देव की ये भविष्यवाणी सच साबित होती है या फिर टीम इंडिया इस बार किसी अलग इरादे के साथ उतरी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।